तो मैं फिर उसके लिए तैयार था, मेरे मार्केट के अंदर धक्के खाने का मन नहीं है। कमेंट करके बताओ कौन सा। 5:30 बज चुकी है। कितनी देर लगी हमें यहाँ पे सामान लेने में? 3 मिनट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोग को पता है कि मेरी बाइक बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब उसमें कुछ ऐसा इशू है नहीं, ना वो बंद हो रही है ना वो मिस मार रही है। तो हाँ, बाइक अपनी ठीक हो चुकी है। और आज मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा अपनी बाइक की लेमिनेशन करवाने, चेंज करानी थी, क्योंकि उस पर स्क्रैचेस पड़ चुके थे। जब स्पीति और कश्मीर राइड करी थी तो उसमें बाइक गिरी थी, तो फिर लेमिनेशन ख़राब हो चुकी है। तो फिर उसको चेंज कराने का टाइम आ चुका था और बाइक का कवर भी लाना था, बट वो काम अभी नहीं हो पाएगा। उसमें थोड़ा सा 4-5 दिन का डिले लगेगा, क्योंकि कल मेरे को निकलना है नागपुर के लिए और आज नागपुर की प्रिपरेशन करनी है। नागपुर में मैं जाने वाला हूँ किसी की शादी पे। अगर आप लोगों ने मेरे स्पीति वाले ब्लॉग देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मुंबई से एक गाड़ी आई थी हैरियर, जिन्होंने मतलब काफ़ी हमारी हेल्प करी थी जब मैं स्पीति में राइड कर रहा था, क्योंकि स्नो चेन थी नहीं, तो उन लोगों ने काफ़ी हेल्प कर दी हमारी। तो उन्हीं में से किसी एक भाई की शादी है, उनका नाम है पराग भैया। तो हाँ, बस उन्हीं की शादी में हम लोग जाने वाले हैं। तो बस अभी फिर हमने सोचा कि अब थोड़े बहुत कपड़े वगैरह लेने हैं, और कल मैंने कटिंग और बियर्ड तो सेट कराई ली थी। बाल थोड़े से छोटे लग रहे होंगे, अगर आप लोग को लग रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं तो बाकी मैंने तो अपनी तरफ से काफी छोटे बाल करा लिए हैं। बस अभी निकलते हैं। तो मोहित तो मेरी बाइक लेके पहले खुशहाल के घर गया हुआ था, तो मैंने उसको फोन करा, मैंने कहा कितनी देर में आ रहा है। तो उसने अभी विभू को भेज दिया, तो विभू भैया आए हुए मुझे लेने, उनको शायद मार्केट में कुछ काम होगा। तो चलते हैं, आप देखते हैं कि खुशहाल भी साथ जाने वाले हैं, क्योंकि मैं मोहित और विभू भैया तो जाने वाले और मैं भी शायद खुशहाल भी चल पड़े। बैठा कर अपने बाहर डोलने आ जाता है। मैं तो काम से आया हूँ। कहाँ जा रहा है? है क्या हुआ था कि कहते हैं मेरे को लगा तो इसने इन्होंने लेने टी शर्ट ये लेंगे कहीं, वो तुम कह रहे थे ना जूडियो जाना है, तो मैं फिर उसके लिए तैयार था। मेरे मार्केट के अंदर धक्के खाने का मन नहीं है। धक्के से खिलाओ इसे दो बाइक। हाँ, इसको दे दो। तो वो चलाता है भाई, बचपन से चला रहा है बाइक, जब से पैदा हुआ बाइक पे पैदा हुआ। तो मार्केट में जहाज को तो लेके जा नहीं सकते, हम जाएंगे अपनी एक्टिवा पे। एक्टिवा भी ठीक हो चुकी है, BMW भी ठीक हो चुकी है, देख रहे हो। इस कुर्ता पजामा ले लिया हमने। अब ये पीछे हमारे बॉडी बिल्डर साहब, दिखाओ मसल, दिखाओ अपनी। दोनों मसल, आप दोनों दिखाओ, मैंने पकड़। हाँ, शाबाश। ये देख रहे हो गाइस मेरी बॉडी। मोहित तू ये पत्ती वाला ले ले, तू तेरे तो शरीर भी काला है, तू तो है भी काला, तेरे पे तो जचेगा। देख ले अगर वो फिटिंग के हिसाब से रखा है। पैंट पुंड का कुछ करवाना है, तो लेंथ तेरे लिए तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी ठीक है इसके, तो फिर भी ठीक है इतना तो चल जाएगा। नहीं नैरो नहीं करनी, ठीक है नैरो ना करवाइए। मैं तो करा लूं, पजामी डाल ले। अच्छा, मैं तो करा लूं। हाँ वही तो कह रहा हूँ। पसंद आया है तो बड़ा भी ले ले भाई, अब डाल लूंगा यो क्या करूं। तुम मेरी बात सुनो, नहीं अच्छा लग रहा है। सुन, नहीं वर्ड गलत है मेरा, एक बार मेरी बात सुन। ये उसमें है क्या कहते हैं, वेलवेट टाइप में है, वेलवेट होता ना भी, एक लेदर स्टाइल में भी आता है पूरा। एक बार ये डालने लग जाएगा ना, ये 100% कह रहे भैया, कह रहे 4 आदमी इसको पूछ ले, वो बड़ी बात हो जाएगी। ये ना मुझे कहाँ से ध्यान हो गया। कमेंट करके बताओ कौन सा। शादी के आने के अभी 10 दिन बाद ही लोग डरेगा। हाँ कौन सा भाई, दोनों ज्यादा अमीर है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर शॉपिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस। 5:30 बज चुकी है। कितनी देर लगी हमें यहाँ पे सामान लेने में? 3 मिनट बस।
भाई शॉपिंग हो चुकी है हमारी कंप्लीट, करीब 4 से 5 घंटे लग गए, 1-1.30 बजे निकले थे और अभी 5:46 हो चुके हैं। शुक्र है कि हुई है, शुक्र है। बट अभी कुर्ता पजामा लेने वापस आना पड़ेगा क्योंकि जो उसकी मेजरमेंट थी वो सही नहीं थी, तो अभी वो वापस से थोड़ा सा स्टिचिंग करने के लिए गया हुआ है, वो आएगा 7 बजे तक, तो 7 बजे हमें वापस आना पड़ेगा मार्केट। हमारी जाने की तैयारी हो रही है, यहाँ पे वेट चेक कर रहे हैं कि ज्यादा ना हो, क्योंकि 15 किलो से ज्यादा होगा तो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। मिडिल क्लास पीपल्स, पीपल्स नहीं होता, पीपल है। हाँ पीपल है, धीरे-धीरे से ही जाना। और दो जी इसका तो देख, इसका वेट देखना पहले। चलो लगे हुए हैं जी, पैकिंग करते हैं। कैसे भाई क्या कर रहे हैं? बंद नहीं है ना, वेट मशीन बड़ी होना चाहिए। कितना 3-1 किलो की बैठेगी? पूरे 3 किलो। 3 किलो, 3 किलो, ये 3 किलो के ये कपड़े। अरे ऊपर है वो, ऊपर छोड़ो। 3500, 3.5 किलो की तैची। तुम 4 ही बताओ। चल 4 किलो का ये हो गया। उनकी वेट मशीन अगर दूसरी निकली है वेट तो यही होगा, तो पैसे देने पड़ेंगे। हाँ हाँ तू चल ले। अरे वो 10 किलो से ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते। अरे वो टायर के ऊपर घड़ी है। अच्छा बट 10 किलो से ज्यादा वो ले भी नहीं सकते। ले देखती हूँ, खराब करेगा ये मशीन को। 1, 2, 3 किलो। कितना का किलो? 11 ना, ठीक है। तू तो कह रहा है कि नहीं, ये उत्तर भी तो हो गई, वो तो दूसरे का।